जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री सीताराम दोस्तों। कौशिक माइथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शक्ति और क्षमा कविता के माध्यम से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय 3 दिवस तक भूखे प्यासे रहकर समुद्र से विनती करके रास्ता मांगा, पर जब समुद्र ने उनकी विनय नहीं सुनी तब उन्होंने अपने अग्निबाण से समुद्र को सुखा देने का संकल्प किया और लक्ष्मण से अपने धनुष बाण लाने को कहा। तब समुद्र तुरंत ही भयभीत होकर श्री राम के सम्मुख ब्राह्मण वेश में प्रकट हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि शक्तिशाली को ही क्षमा करना शोभा देता है, दुष्टों के सामने शक्ति प्रदर्शन करना आवश्यक हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अब आपको मैं शक्ति और क्षमा कविता सुनाता हूँ। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम बिनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूण बंधन में। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।